जनता टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा सीट पे और हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विशाल वर्मा, जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और समाजवादी पार्टी के फिलहाल स्टार प्रचारक हैं। विशाल जी, आपका जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी, आप समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में काम आप प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेके पश्चिम से अब पूरब तक हो गया, पांच चरणों का चुनाव हो गया है, क्या आपको क्या लग रहा है कि जो इशू पश्चिम में थे वही मुद्दे पूरब में भी हैं? बराबर, बल्कि यहाँ और इशू बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो गौपालक थे, जो किसान गौपालक था, उनकी ये दुर्दशा होगी, जो सबसे बड़ी कैश क्राप किसानों के पास होती थी, यहाँ कोई किसी की जात ना धर्म ना मजहब, जो भी किसान थे, जिनको रात में 12 बजे कह के अगर चाहता था आदमी अपने जो भैंस बच्चा नहीं करने वाली होती थी वो भी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये बिक जाती थी, कैश क्राप जिसे कहिए। हाँ। मतलब पिपरमेंट एक मेंथा का खेती करते हैं उसको लोग कैश क्राप करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ये था। हाँ। और उसका जिस तरह से दोहन हुआ है, और इतना ही नहीं कि वो खेत खलियान तो खराबे हुए हैं, और ये तो बाबा ने जो कर दिया ये कोई मीडिया के लोग दिखाते नहीं, गांव में आप जाके पर्चा करिए, पता करिए, तो कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में इन सांडों की वजह से भैंस न खराब हो गए, उनके बच्चे न गिर गए हों। अच्छा विशाल जी, आप एक बार जिक्र कर रहे थे कि इससे गांव-गांव में भी टकराहट हो रही है, एक गाँव के लोग दूसरे गाँव की तरफ आवारा पशु हाँक देते हैं, फिर वो गाँव के अंदर भी टसल हो रही है। अब चूंकि समस्या सब समझ रहे हैं इसलिए कोई तसील दुस्तर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब वो है और इशू। और दूसरी बात ये है कि अब तो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति और भी लोगों को, चूंकि मैनिफेस्टो जब लोगों ने देखा, उन्होंने लिखा है जिनको आवारा पशुओं से, जो सांडों से जिनकी मृत्यु हो जाएगी, जो हो गई है, उनको हम 5 लाख रुपये आर्थिक अहेतुक सहायता करेंगे, तो इसका भी असर दिख रहा है। एक तरफ तो सरकार, दूसरी सरकार ये मरवाने का काम कर रही है, एक तरफ अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारी सरकार अगर बनाएंगे तो हम आपके जानवर की व्यवस्था भी कराएंगे और उनको सुरक्षित भी करवाएंगे, जो गौशाला में तड़प तड़प के मरने का काम कर रही हैं, जिनको हिंदू मुसलमान कोई भी देखेगा तो उसको दया आने का काम होगी। पता नहीं गाय तो अपनी भाषा में बात कर रही होंगी प्रभु से कि मेरी जान को बख्शने का काम करिए, चूंकि घुट घुट के मर रही है, न खाना है, न पानी है, न दाना है, जो स्थिति है। तो ये आपको लगता है इस चरण में यहाँ पे ये आवारा पशु इतनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बगल में ये टांडा विधानसभा में एक लखनपुर गांव है, अशोक पांडे जी उनका घर है, उनकी जमीन है तिराहे पे एकदम से, उनके यहाँ 85 सांड पकड़े गए थे उनके खेत में। 85 सांड को लोगों ने, गाँव के लोगों ने, आज के करीब मैं समझता हूँ साल भर हुआ होगा, बंधक बनाए थे लखनपुर, फिर पुलिस वाले आए, फिर इकट्ठा किए थे पूरे गाँव वाले, एक दो ग्राम सभा के लोग इकट्ठा होके फिर उनके लिए आगे छोड़ने का काम किया था। अच्छा, आपको लगता है कि सर जिस तरह से एक नैरेटिव सेट कर देती है राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, डेवलपमेंट, विकास, तो इसमें वो असली मुद्दे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज़ नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए लोग जानकार हो गए हैं, लोग सवाल करते हैं कि भाई शिक्षा से क्यों भाग रहे हैं, शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब आम आवाम के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करे, धर्म की बात करे, नारा दे कि हमें गर्व है, हमें गर्व है, नारा लगाएं, लेकिन वो चीज़ जान रहे हैं। और हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जितने गठबंधन के लोग हैं सपा में, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे श्रीमती कृष्णा पटेल जी हों, और चाहे केशवदेव मौर्य जी हों, चाहे प्रेम प्रजापति जी हों, जितने लोग हैं सबको साथ लेके, सबको एक माले की तरह एक धागे में पिरो के लेके चलने का काम किया है। और ख़ासकर जो मेन हमारे मतदाता रहे दो जात के लोग, उनको समझा के, उनको कम करके दूसरे लोगों को एडजस्ट करने का काम किया है। और साथ ही साथ हमारा ब्राह्मण समाज जो है उसको भी भागीदारी बहुत जबरदस्त देने का काम किया है। जैसे हमारे जनपद में ले लीजिए, एक राकेश पांडे को लड़ा रहे हैं जलालपुर में, बगल में हमारे जो जुड़वा हमारा जनपद था और वहाँ तेज नारायण पांडे जी को, और तेज नारायण पांडे के चुनाव में गया था। माननीय तेज नारायण पांडे जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो साइकिल से लेकर जीतने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं लोग? तो आपको लगता नहीं वो
दरअसल बीजेपी का कहना है ना सर, कि उन्होंने एक्सप्रेस वे बना दिए, एयरपोर्ट बना दिया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है, तो आपके पास है तो कोई इशू नहीं, अब आपके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेशन पे उन पे आरोप लगाते हैं। इतने मुद्दे हैं, आवाम में पूछिए, हर आदमी सोच रहा है आप राशन क्या बांट रहे हो। राशन हर सरकार मिली, हाँ राशन के साथ आपने जितने का राशन दिया तो उससे ज़्यादा झोला आपने जरूर बांटने का काम किया है। और नमक अब की आपने इसलिए कहा, इनकी एक नेता ने भी बयान दिया था, शायद आपने भी देखा होगा, चुनाव लड़ रही थी, बताइए ये इतने गद्दार हमारी नमक भी खा लिए, उसके बाद वोट नहीं दे रहे हैं, हमारे स्वागत नहीं आ रहे हैं, तब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जहाँ तक एक्सप्रेस वे की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जो एक्सप्रेस बना के दिखा दिया, आज भी इस एक्सप्रेस वे आप चले होंगे, आप आगरा एक्सप्रेस वे भी चले होंगे, जो कि समाजवादियों की एक्सप्रेस वे का ही सोच थी, सारी व्यवस्थाएं थी, मान के चलिए कि 60-70% इसमें काम हो चुका था, नहीं तो धरती पा ही नहीं पाती। और दोनों की गुणवत्ता आप देख लीजिए, दोनों की क्वालिटी आप देख लीजिए, दोनों की सुरक्षा की नज़र से आप देख लीजिए कितना अंतर है। एक्सप्रेस वे कभी भी माननीय अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लागू किया था। अखिलेश यादव जी ने कभी भी पहले मैनिफेस्टो में किसान दुर्घटना बीमा नहीं लागू किया था। अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में इनकी तरह नहीं कहा था कि हम बुलेट ट्रेन बनवाएंगे चलवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मेट्रो लखनऊ में चलवाने का काम आपने किया था, ये कहीं नहीं छिपा है। नहीं, ये इनके कहना है कि दरअसल आप साढ़ इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि किसानों का जो मुद्दा था, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो आपके पास आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा फिसल गया, तो आप साढ़ को आगे ले आके खड़ा कर। मैं जनतंत्र के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहूँगा और जनता से कहना चाहूँगा, इनसे जरा पूछ लीजिए, इन्होंने जब काला कानून काका ले आने का काम किया तो इन्होंने कहा कि ये काला कानून किसान के हित में और राष्ट्र के हित में मैं लागू कर रहा हूँ, कहा ना, शादी से आप भी जानते होंगे। और जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चला, जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में उतना बड़ा आंदोलन आज तक कहीं नहीं चला, इनको शर्म भी नहीं आई, इन्होंने 750 किसान मर गए, जितनी दुर्दशा हुई इसके बाद कभी इन्होंने मतलब मुंह से जबान से भी श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात नहीं की। और जब चुनाव आ गया, बंगाल का रिजल्ट आ गया, जब जान गए कि हम नहीं जीत पाएंगे, जो चुनाव पाँचों राज्यों के हो रहे हैं खासकर यूपी के भी, तो इन्होंने काला कानून वापस लिया। और अभी 15 दिन पहले पीएम महोदय का बयान आया था, शायद आपको याद होगा, ना याद होगा तो पता करिएगा, उन्होंने मैंने समाचार पत्रों में देखा कि ये तीनों काला कानून राष्ट्रहित में वापस लिए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, उनका राष्ट्रहित में लागू करना ठीक था, वो बात सही थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि उनकी अब की बात 15 दिन पहले जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित में मैंने इसको वापस लिया है, यही तो वो कह रहे हैं कि आपकी चितवी मेरी, पटवी मेरी, अंटा मेरे बाप का, जब उन्होंने लागू किया तब आप बौखला गए, जब वापस ले लिए तब भी आपको दुख हो रहा है। ना ना, हम हमारे नेता हमारे किसान सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये तब भी की काला कानून था, इन्होंने गलत लागू किया, और आज भी वो हम कह रहे हैं कि ये गलत किया इन्होंने, आज भी हम कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। ये कह रहे थे हम देश हित में लागू किए, किसान हित में लागू किए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम देश हित किसान हित में लागू, ये जवाब दें। ठीक उसी तरह से जैसे शिक्षक भर्ती में इन्होंने किया, 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने किया क्या कि जब गलत फर्जीवाड़ा किया तो छात्रों ने और जो समझदार लोगों ने उनका जब विरोध किया, वो आंदोलन बहुत बड़ा चला। जब चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा कि जब आंदोलन चलते रहे तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सब सही भर्ती हुई है। आपने देखा है 1-1.5 महीने पहले इन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा हुआ है और 6800 की भर्ती इन्होंने फिर करवा दी, नियुक्ति मतलब नियुक्ति नहीं करवाई, लिस्ट जारी कर दिया 6800 फर्जी गलत हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है, आप ये बताइए कि इनकी कौन सी बात सही है। ये तब कहे कि मैंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि 6800 की नियुक्ति गलत हुई है, आप बताइए कि इनकी कौन सी बात हम सही माने। बड़ी छोटी छोटी बात आप पकड़ रहे हैं। नहीं, पकड़ने वाले हम नहीं, आवाम पकड़ रही है। अब जनता बुद्धिमान हो गई है, जनता चाहती, ये तो जनता को पढ़ाना नहीं चाहते, ये तो जनता को सिर्फ साक्षर बनाना चाहते हैं, ये जनता को शिक्षित नहीं बनाना चाहते। इसलिए जब जनता शिक्षित हो जाएगी, शिक्षित बेरोजगार रहेगी, नौकरी नहीं पाएंगे। हमने तो कह दिया था, इन्होंने कहा था ना मैनिफेस्टो में कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, और 7 साल कम से कम हो गए इनको,
और 7 साल में 2 करोड़ लोगों को नहीं दिया है, तो जनता इसे सवाल करना चाहती है और इसीलिए पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं कि अगर पढ़ाई कर लेंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे, साक्षर रहेंगे तो कम से कम हमारी टीवी के जो समाचार आएगा, जो समाचार पत्र आएंगे, जो मोबाइल पर मैसेज आएगा, जो राशन के झोरे पे हम पोस्टर अपना नाम लिखवाएंगे, वो कम से कम जनता पढ़ लेगी। ये चाहते हैं कि सिर्फ जनता उतने जाने। विशाल जी, जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, साहब वो धर्म की राजनीति करती है, तो वो आप भी तो जाति की राजनीति करते हैं। आप कहते हैं साहब जाति जनगणना होना चाहिए, क्या समस्या का समाधान हो जाएगा जाति जनगणना से? मैं अभी बैठा था, अभी एक जगह बात कर रहा था, हमारे कुछ अगड़े समाज के लोग थे। जाति जनगणना हो क्यों नहीं रही, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, हमारे यहाँ जानवरों की जनगणना हो जा रही है, आप देखते हो गांव में भैंसों के जो है उनके कान में टैग लगा हुआ है, उनकी जनगणना आप करा रहे हैं। अरे भाई, जनगणना करा दो, सबकी अपनी बात ख़त्म हो जाएगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी, ना कोई पिछड़ा परेशान होगा, ना कोई अगड़ा चिल्लाएगा, ना कोई दलित चिल्लाएगा, ना कोई मुस्लिम चिल्लाएगा। जिसकी जो भागीदारी कोई हिस्सा नहीं ले पाएगा, उस हिसाब से आप हिस्सेदारी दे दो। तो आपको लगता है अगर जनगणना हो जाए तो तमाम समस्या का समाधान हो जाएगा? सबके लिए फिट है, सबके लिए फिट है तमाम समस्याओं का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो धर्म की बात कर रहे थे आप, ये धर्म की बात करते हैं, ये कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाएगा, ये तो कहते हैं राष्ट्र खतरे में। आप ही बता दो कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुसलमान है। देश का राष्ट्रपति कौन है? मुसलमान है। देश का गृहमंत्री कौन है? मुसलमान है। जितने संवैधानिक पद हैं, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, सब तो हिंदू हैं। जब सब हिंदू हैं फिर देश कैसे खतरे में है? और अगर देश खतरे में हिंदू रहने के बाद किसी मुसलमान को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हो सकता है देश सुरक्षित रहे। अगर इनकी भाषा में बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, जब सारे हिंदू हैं तो देश खतरे में कैसे है? कि आप ये गलत करने वाले हैं क्या? इनको डर भय किस चीज़ का है? ये तो खाली खाली एक आपस में, और हम धन्यवाद देंगे कि माइनॉरिटी समाज के, हिंदू समाज के लोगों ने इसको बड़ी खूबसूरती सबकी रोका है। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन के नेतृत्व में जिस तरह से पश्चिम से लेके पूरब तक रोकने का काम कर रहे हैं, कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, यही इनकी बेचैनी है कि चुनाव में कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, विशाल जी के ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी हैं अखिलेश जी ने, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री, सिंचाई फ्री, सब फ्री हो जाएगा। अखिलेश यादव जी ने जितनी घोषणाएं की हैं वो तो 100% लागू करेंगे ही करेंगे। जो हमारे गठबंधन के साथियों ने मिल के मैनिफेस्टो बनाया है वो 100% लागू करेंगे ही। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो घोषणा नहीं किए उसको भी करने का काम करेंगे, समाज हित में और जनता के हित में। चूँकि ये मानते हैं, समाजवादियों की विचारधारा है कि जो सरकार लोकतंत्र में चुनी जाती है वो जनता द्वारा जनता के हित के लिए चुनी जाती है, और इनकी विचारधारा दूसरी है, ये अपने हित के लिए चुनने का काम करते हैं। नहीं, ये व्यापारियों के हित के लिए चुनी। इस बार जो चुनाव में आपका घोषणा पत्र है वो पूरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। साहब ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, डीजल पेट्रोल सब मैंने आपसे कहा सब फ्री, इतना बजट है, इतना संभव हो पाएगा? सब संभव हो जाएगा। और जहाँ तक इसकी बात है कि पुरानी पेंशन की बात है, आपने उसका नतीजा देख लिया, और पूरे उत्तर प्रदेश के जो मतदाता जो वोट डाल रहे हैं, जो तो डाल चुके अभी आप देख लिए, जितने भी पोस्टल बैलेट से वोट पड़े हैं किसी जनपद में आप देखिएगा तो अलग गिनती होगी, 90% से कम नहीं जा रहे हैं समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशियों के फेवर में। इसलिए कि राजस्थान ने देखिए लागू कर दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने, गठबंधन के हमारे साथियों ने जब किया तभी लागू किया, महाराष्ट्र ने लागू कर दिया, दूसरे प्रदेश भी लागू करने की तैयारी में है, तो कहीं के उसकी बात तो है। अच्छा, आपको लगता है जो आपका घोषणा पत्र है वो पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसी बजट में? वो हमारे नेता के अंदर इसी व्यवस्था है कि आप अन्यथा ना लें, जिस तरह से ये प्रचार सामग्रियों जो पैसा बर्बाद करते हैं, हमारे देश का कितना लॉस हो रहा पैसा, तमाम ऐसे जो हैं जो फालतू के पैसे बर्बाद करते हैं, ये सरकार कर रही है, दो डबल इंजन वाली सरकार है, उस पर अंकुश लगाने का काम करें, अपने खर्चे की कटौती करने का काम करेंगे, तो उसको इसी चीज को मैनेज करके आप अब हाँ तमाम और चीजें हैं वो राष्ट्रीय देगी और कहीं और भी कोई स्रोत निकालने का प्रयास करेंगे, तमाम इंडस्ट्रीज को लाने का काम करेंगे, उससे भी कुछ होगा। ठीक है विशाल जी, अयोध्या आपके जस्ट बगल में है, हाँ, तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इधर
आप बीच में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, ये क्या चुनाव में कोई मुद्दा है राम मंदिर जो कभी पूरे देश की दिशा दशा तय कर देता था राजनीति का, आज कोई मुद्दा है, इश्यूज है? देखिए, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दिखा दिया उस सबको बता दिया, आस्था सबकी है भगवान में। इस कोरोना काल में इन लोगों ने दिखा दिया कि सारे भगवान के दरवाजे बंद रहे और उसमें शिक्षित आदमी जो डॉक्टर है वही काम आया। अयोध्या मुद्दा जो राम मंदिर का मुद्दा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फर्जी कहते हैं हमने कुछ करवाया, या तो ये कहें कि जो न्यायालय माननीय न्यायालय है माननीय सुप्रीम कोर्ट हम चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुले मन से कहें इस बात को, तस्लीम करें और कहें कि न्यायालय हम चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और संघ के लोग चला रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, या तो ये कहें, और नहीं तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ भाई, माननीय उच्चतम न्यायालय के आधार पे हुआ है। हाँ। ये मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ पाएंगे, कैसे पाएंगे? अच्छा, आपको लगता है ये कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि डरवाते गए समाजवादी आ गए जो कारसेवकों पे जिन्होंने गोली चलाई थी, वो राम मंदिर का निर्माण रुकवा देंगे। आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये कोई मुद्दा होता तो फैजाबाद आप जाके करिए ना, हो सकता आप फैजाबाद गए भी अयोध्या की धरती पे, अयोध्या की सीट पे समाजवादी गठबंधन को उम्मीदवार जीत के पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि देश में संदेश देने का काम करेगा, मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ा उत्साहित है आप, आपको लग रहा है विशाल जी, आप पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, लोग आपसे क्या कहते हैं, जो आपके पास लोग संपर्क करते हैं वो किस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उनका लोकल मुद्दा ही रहता है या उनको दिखाई देता है बड़े नेता ने ये बयान दे दिया, ये कहा वो कहा? देखिए, लोग अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं और ख़ासकर अब जो नौजवान लड़के नौकरी भले न पाए हों, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हों, किसी समाज के हों, कहीं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब इंटर के बाद या इंटर तक के बच्चे हैं, तो वो अपने गार्जियन को समझाने का काम कर रहे हैं और गार्जियन भी इस चीज़ को समझ रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, हमारा तो बीत जा रहा है और कहीं न कहीं इनकी सरकार अगर बन गई 22 में तो 24 में फिर इनको रोक पाना कठिन हो जाएगा, और गलती से कहीं इनकी सरकार बन गई तो बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि प्रदेश और देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। यह मुद्दा मेन है, इसकी गहराई में बताना चाहता हूँ आपको, आज उत्तर प्रदेश की आवाम कह रही है। प्रधानमंत्री जी कहते, जो आप देख रहे हैं तमाम लोग आपके जो लाल टोपी लगाए हैं, ये रेड सिग्नल है खतरा, आपने नया नारा दे दिया शायद टोपियों पर, क्या लिखवा दिया आपने? कृष्णा कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे, न कोई जात न धर्म न संप्रदाय, और यही बात चल भी रही है। ये जो कह रहे प्रधानमंत्री, कह रहे रेड सिग्नल है और समाजवाद पूरा एक परिवारवाद में सिमट गया है, या जो परिवार से बाहर समाजवाद है नहीं कहीं। अब मैं बता दूं इस पे, अब जो लोग टिप्पणी करने वाले हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी शायद विश्व में इतना बड़ा राजनीतिक परिवार संवैधानिक पद पर रहने वाला शायद ही कोई हो, हिंदुस्तान में तो नहीं है। इसके बावजूद माननीय अखिलेश यादव अपने परिवार में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, सही बात है गलत बात है? और सारे पार्टी के नेताओं को कहने के बाद अगर कोई माननीय शिवपाल जी की बात करता है तो भी क्लियर कर दे रहा हूं, तो वो परस्पा गठबंधन के उम्मीदवार है न कि समाजवादी पार्टी के। अकेले सिर्फ अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद ऐसे बेवकूफ लोग, अंधे लोग बात लोगों को डालने का काम कर रहे हैं, ये झूठी झूठी बातों को कहने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से आजम खान साहब को अपराधी बताने का काम कर रहे जब टिकट हुआ, इसी तरह से झूठ और प्रपंच करने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी और जातीय पार्टी है। अब आप बताओ तो इतना बड़ा परिवार जिसमें सिर्फ एक आदमी लड़ रहा हो तो ये कैसे संभव है कि परिवार बात कर रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री जब सीधी टिप्पणी करते हैं आपके दल पे, आपके नेता पे, गृहमंत्री करते हैं, एक पूरा लाव लश्कर है, पूरा फौज फाटा है समाजवादियों पे जो हमला बोल रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हैं उनका मुकाबला करने में? ना ना, कहीं नहीं कमज़ोर हैं। और मैं एक पहली बात मैं बताने पाया आपको उस पर जवाब दे दूँ, लाल टोपी की आपने बात किया, लाल रंग की बात किया, ये सही है कि लाल रंग देख के प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा बेचैन हो गए, उनकी पीड़ा यही थी, ये क्रांति का द्योतक है, लाल रंग क्रांति का द्योतक है और इस लाल रंग को देख के ही वो परेशान हो गए हैं और अब तो उसमें पीला भी मिल गया है और दोनों देख के तभी ये लोग देख के लाल पीला होने लगे, क्योंकि पीले के पास भी बहुत बड़ा जनाधार है। पीले की बात मेरी समझ रहे हैं ना माननीय ओमप्रकाश राजभर जी की? समझ रहा हूँ। हाँ। तो वो देख के लोग लाल पीला होना शुरू हो चुके। उत्तर प्रदेश की जनता जब लाल गमछा लाल शर्ट पहने, देखिए लाल गमछा लाल शर्ट पहने या लाल टोपी लगाए निकल रहे तो जान गए कि अब खैर नहीं है विधानसभा के चुनाव में।
बड़ा परिभाषित किया आपने लालगढ़ को, आपको लग रहा है सर कि चुनाव में आपके सामने कोई चैलेंज है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मतदाता सूची में आप कहते हैं नाम कट जाए, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। हाँ, कतई बिल्कुल सही है। जो शिकायतें हमारी पार्टी ने किया, चाहे लोकल शिकायतें हों चाहे प्रदेश लेवल की हों, आयोग अभी निष्पक्ष काम नहीं कर रहा जिस तरह लोकतंत्र में करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी भी इनके तमाम ऐसे हैं जो निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है अब उन अधिकारियों को दिखने लगा है, इतने चुनाव हो गए, पांचवें चरण में और दिखने लगा है, अब उनकी बोली भाषा कार्यशैली में कुछ बदलाव आ रहा है, चूंकि उनको भी कहीं ना कहीं संकेत मिल गया। चूंकि तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो पश्चिम में गए हैं, जो वह चुनाव करा के आते हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। हमारे नेता ने कह दिया था, ठीक है उत्तर प्रदेश की पुलिस अजब अलग पुलिस है, लेकिन उनको भी छुट्टी चाहिए ना। हमारे नेता ने उनको भी छुट्टी के लिए कह दिया है। किस तरह से लड़कियों के लिए उन्होंने कह दिया, जो शिक्षा जो नौकरी करने वाले उनको कह दिया जनपद में रहेंगी, जो बाहरी बच्चे हैं जिनको बहुत दूर कर दिया, यहाँ का आदमी अगर हाथ साथ नौकरी करेगा तो उसको कितनी दिक्कत होगी, कह दिया कि भाई हम 100 किलोमीटर के अंदर समायोजित करने का काम करेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चियों के लिए उन्होंने कह दिया कि हम 36,000 रुपये देंगे, बुजुर्गों के लिए कह दिया जो 500 पेंशन होती है तो उसको 1500 करके 18,000। घोषणा पत्र याद है आपको? मुझे पता है आप भाषण देते दिन में, आपको घोषणा पत्र याद है। अच्छा, आपको लगता है जो दूसरे दलों का घोषणा पत्र वो भी चुनौती है आपके लिए? और BSP बहुजन समाज पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमारे नेता भी नहीं कुछ बोलते हैं, चूँकि गठबंधन उन्होंने किया, उन्होंने बड़ा दिल किया है, और हमारे नेता ने बहन जी ने जब गठबंधन तोड़ा तो उसके बाद भी कोई टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का सम्मान करते हैं। आवाज उसकी वजह से हमको दलित समाज का जो बहुजन समाज पार्टी मूल मतदाता है उसमें कम ही मिल रहा हो, लेकिन आज हमको पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ वोट कर रहा है। सर, BJP का कहना है साहब अगर इतने कॉन्फिडेंट थे अखिलेश यादव, इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे, तमाम दलों के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा विशाल जी कि इतने जोगी आ जाए कि मठी उजड़ जाए? नहीं नहीं, कतई नहीं। BJP वो बात जो खुद करती है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करती। BJP ने इसके पहले कितने दल से गठबंधन किया था उनसे कभी सवाल करिए। आज अगर अखिलेश यादव ने गठबंधन के लिया वही तो उनको दिक्कत हो रही है कि अखिलेश यादव ने इतने दल से इतने जाति के लोगों जो संगठन चला उनसे गठबंधन कर लिया है, यही तो हम फेल हो जा रहे हैं, यही तो हम मारे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश मुद्दा उनके लिए नहीं है, उनको तो 24 वाला दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए परेशान है, तमाम उल्टी पुल्टी बातें। अच्छा, आपको क्या लगता है जो अब चुनाव खत्म होने वाला है, जिस तरह और करीब आ रहा है चुनाव, आपको क्या लगता है मुद्दे वही रहेंगे जो पश्चिम से चल रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी कहीं डिरेल करने की कोशिश करेगी? आप लोग को लगता है कुछ अब मुद्दे बदलने चाहिए, पश्चिम में कुछ और बात थी, पूर्व में कुछ और है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा था, सिर्फ मंदिर मुद्दा, सिर्फ गर्व वाला नारा, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ लव जिहाद, राष्ट्र प्रेम। अब उत्तर प्रदेश की आवाम हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इस चीज़ को समझ गया है, और जो हिजाब की बात करने वाले लोग हैं अब उत्तर प्रदेश की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आने वाले यहाँ पे 3 तारीख को जो चुनाव होगा 6वें चरण का, इसमें भी जम के हिसाब मानेंगी, और 7 को जब 7वां चरण ख़त्म होगा और 10 तारीख काउंटिंग होगी, उस हिसाब का रिजल्ट सबके सामने आएगा। विशाल जी, अपने व्यस्ततम समय में से निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दरअसल रोड शो कर रहे थे और इन्होंने अपने जो शेड्यूल था उसमें से बीच में से जनतंत्र TV को समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विशाल वर्मा, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही। इन्होंने बड़ा सराहना अंदाज में कहा कि हिजाब नहीं, जनता अब उनसे 5 साल का हिसाब मांग रही है और वही वोट बैंक में तब्दील होगा। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, बसखारी, अम्बेडकर नगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।